आज कुछ चैनल्स द्वारा एक खबर दिखाई जा रही थी कि बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में बर्बरतापूर्ण व्यवहार से रिलेटेड कुछ वीडियोस जो हैं वो दिखाए जा रहे थे। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा इन वीडियोस का पुरजोर खंडन किया गया है। इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा था, वो जो वीडियो है दूसरा वो कोयम्बतूर का वीडियो है और उसमें एक हत्या का ये वीडियो है। ये इसमें जो मृतक और अक्यूज जो दोनों व्यक्ति हैं वो तमिलनाडु के लोग हैं, उनका कोई सरोकार नॉर्थ इंडिया से नहीं है। आज कुछ चैनल्स द्वारा एक खबर दिखाई जा रही थी कि बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में बर्बरतापूर्ण व्यवहार से रिलेटेड कुछ वीडियोस जो हैं वो दिखाए जा रहे थे। यह जानकारी बिहार पुलिस को प्राप्त हुई और इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक बिहार ने महानिदेशक तमिलनाडु से बात की और उनसे यह अनुरोध किया कि इसके संबंध में जो मामले की जो सच्चाई है वो हमारे सामने रखे ताकि हम आपसे इस संबंध में जो है जो प्रॉपर सच्चाई है वो साझा कर सके। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा इन वीडियोस का पुरजोर खंडन किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि पहला जो वीडियो है वो एक उपेंद्र थरी नामक व्यक्ति द्वारा भवन यादव की हत्या से संबंधित वीडियो है और ये जो हत्या है आपसी विवाद में की गई है। ये जो हत्यारा और जो मृतक है दोनों ही बिहार और झारखंड के रहने वाले लोग हैं, इनमें से कोई भी तमिलनाडु का व्यक्ति नहीं है। ये तिरुपुर की घटना है। इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा था, वो जो वीडियो है दूसरा वो कोयम्बतूर का वीडियो है और उसमें एक हत्या का ये वीडियो है। ये इसमें जो मृतक और अक्यूज जो दोनों व्यक्ति हैं वो तमिलनाडु के लोग हैं, उनका कोई सरोकार नॉर्थ इंडिया से नहीं है। इसमें कोई भी नॉर्थ इंडियन व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। तो तमिलनाडु पुलिस ने ये जानकारी हमें दी है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। शेयर करने के साथ ही हम आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि कृपया, पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया जब तक मैटर को वेरीफाई नहीं करें तब तक कोई भी भ्रामक न्यूज़ इस प्रकार नहीं चलाएं, क्योंकि इससे अफवाह फैलती है और जो है ये लीगली लायबल है जो लोग इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं, ये कानूनन जुर्म है। क्या इस मामले में वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ मतलब उनकी पहचान होगी, कोई कार्रवाई होगी? जी हाँ, तमिलनाडु पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और जैसे ही वो हमसे कुछ शेयर करेंगे हम आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।